आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो हुआ वायरल। जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को सौंपा जांच। जांच में दोनों अधिकारी पाए गए दोषी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र। मंगलवार को शुरू होने वाले योग अमृत सप्ताह की तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक का। 21 जून को योग दिवस में गोरखपुर से 8 लाख लोगों के शामिल होने का रखा गया है लक्ष्य। योग दिवस पर शामिल होने के लिए किया जा रहा है प्रचार प्रसार। IGRS पर आई शिकायतों के निस्तारण पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को 10 बजे से कार्यालय में बैठकर सुनने के लिए दिया गया है निर्देश। हर हफ्ते IGRS पर आई शिकायतों की जाएगी समीक्षा। सभी मामलों का 100% किया जाएगा निस्तारण। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में बने नए कॉन्फ्रेंस सभागार का मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा ने किया उद्घाटन। निरीक्षण कर कार्यालय का लिया जायजा। कहा, पेंशनरों को सभागार में उनकी समस्याओं के समाधान देने में होगी सुविधा। दो पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर SBI ने पुलिस सर्विस पैकेज स्कीम के तहत 40-40 लाख रुपए की दी सहायता। SSP डॉक्टर विपिन ताडा व बैंक के मैनेजर ने दोनों पुलिसकर्मियों के परिजनों को सौंपा चेक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पर पेंशनर सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अनाथ बच्चों को कार्यालय पर बुलाकर पौधा देकर किया गया सम्मानित। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदेश की प्रति हस्तगत करते हुए उन्हें भी किया गया सम्मानित। और जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से पर्यटन विभाग के ग्राउंड में हुआ शिफ्ट। जिलाधिकारी ने कहा, कलेक्ट्रेट के नए कार्यालय के निर्माण होने तक नागरिक पर्यटन विभाग में स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का 100% होगा समाधान।